मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को लाभ देने का काम कर रही है और इसी कड़ी में समर्थन मूल्य पर किसानों की मूंग खरीदी का काम किया जा रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है। वहीं अब इसको लेकर सीएम शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल अपनी सरकार को किसानों की हितैषी सरकार बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। किसानों को सरकार दे रही अतिरिक्त लाभ, किसानों की मूंग खरीदी का किया जा रहा काम, मूंग खरीदी पर सरकार दे रही समर्थन मूल्य, सीएम शिवराज कृषि मंत्री ने कही दिल की बात। भैरुंदा नगर तहसील के छिपानेर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मैं कृषि मंत्री नहीं होता तो क्या मूंग खरीदी की जाती। उनका पैसा हमने दिया है, मूंग खरीदी की है। भारत सरकार ने 2,75,000 मेट्रिक टन खरीदा, बाकी हमने खरीदा है प्रदेश सरकार ने। ये पहली बार है, कोई सरकार नहीं खरीदती। और गरीब और अभी के तो है नहीं, अगर शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं होते और मैं कृषि मंत्री नहीं होता तो मूंग की खरीदी नहीं होती, तो 3,000 रुपये बिकता मूंग। जो भाई सही है कि नहीं सही है। आज हम 7,755 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं और किसानों को हजारों करोड़ का लाभ दिया है। अकेले हरदा और नर्मदापुरम में 4,000 करोड़ की मूंग। कैसे में देरी की? और उसका कारण है अभी जो गारंटी थी जितनी हमने दी थी मार्केट को वो पूरी हो गई। अभी इसी कल उस मंगलवार को कैबिनेट में फिर कर देंगे और इस सप्ताह भर के अंदर पैसा आ जाएगा और कोई किसान का पैसा नहीं रुकेगा, सबको देंगे पैसा। ठीक भाई साहब। और किसान बहुत प्रसन्न है, कमल की तरह खिल रहे हैं इनके चेहरे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी छिपानेर में आयोजित कार्यक्रम में मंच से किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि मूंग की राशि के भुगतान को लेकर कल ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, एक हफ्ते के अंदर सभी किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। पता चला मूंग का पैसा थोड़ा रुका है, कल कैबिनेट की बैठक है, उसमें लिमिट बढ़ाने का, क्योंकि मूंग जितनी सोची थी उससे ज्यादा आ गई। कोई खरीदा जरा दिल पे हाथ रखकर बताना, मूंग समर्थन मूल्य में कोई खरीदता में नहीं होता तो अब कल कैबिनेट की बैठक है और उसमें वो लिमिट बढ़ा के तुम्हारे खाते में जिनके रह गए पैसा आने वाला है, तो मूंग खरीदी का सवाल हो चाहे गेहूँ। चुनावी साल में किसानों को फायदा मिलने से भाजपा को भी चुनाव में फायदा मिलने की संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि पिछले चुनावों में किसानों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।